लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अब आ रही है गर्मियां, हाँ गर्मियों के अंदर वहां धूप सबसे ज्यादा टाइम रहेगी, गर्मी बहुत रहेगी, तो हाँ उनको गर्मी से बचाना है। हाँ जी राजन जी नमस्कार, कैसे हो? हाँ सर नमस्ते, बहुत अच्छा हूँ। और वो शुरू की डाउजिंग हुई शुरू? अभी हाँ नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा। स्फटिक मेरे शिवलिंग है हाँ, उस पे रखा तो हल्का सा ऐसा राउंड क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो उस पे करना शुरू कर दो, ठीक है, उसी पे करो, उससे स्टार्ट हो जाएगा। एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहली बार स्टार्ट करने की है, फिर तो और क्या करना पड़ेगा मेरे को? और देखते हैं, फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है फिर देखना पड़ेगा। आप एक बार ये समझो, आप 5-6 दिन करके देखो, ठीक है? 5-6 दिन में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर देखूंगा क्या कर सकते हैं। होगा जरूर, ये बात पक्का है, नो वर्ड नहीं है, हाँ नो नहीं है कुछ भी, यस यस है। अभी तक मैं किसी भी अच्छे काम के लिए लगा हूं तो उसमें सफलता मिली है। एक वो रेकी में नहीं मिली थी, 20 साल पहले की बात है, उसको भी छोड़ दिया। उसमें बोले एनर्जी भी खत्म होती है यूं का, तो बाकी इसमें कहीं भी क्या मुझे होता है, होता क्या है, हम जो एनर्जीज लेते हैं ना ब्रह्मांड से, जो एनर्जीज ले रहे हैं, हाँ तो क्या एक तरह की हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? रैकी के अंदर क्या है, वहां पे हम तो एनर्जी ले रहे हैं लेकिन वहां ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ट्रांसफर होती है। हाँ लेकिन इसका एक बड़ा माइनस पॉइंट भी, हमने जब वर्किंग करी, मैंने भी मास्टरशिप की थी उसके अंदर, मैंने पूरी उसकी वर्किंग करी, काय जब में, इसका रैकी के अंदर अच्छा मैंने पांचों लेवल करके सारे किए थे, लेकिन जब मैं इसकी रिसर्च में पहुंचा तो इसमें माइनस भी बहुत बड़ा निकला। अच्छा माइनस इन सेंस में कि हमें लगता है कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो आप एनर्जी ट्रांसफर करा लो, हाँ उसी इफेक्ट आ जाएगा, और आता भी है ना, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो रैकी करके वो एनर्जी ट्रांसफर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आया कि जिस व्यक्ति की आप एनर्जी ले रहे हो वो कैसा है, हाँ उसकी भावना कैसी है, जैसी लोगे तो क्या है, वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, जैसा उस व्यक्ति का व्यवहार है वैसे ही आपका व्यवहार होना शुरू। यदि वो व्यक्ति अच्छा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कई बार क्या होता है, मन के अंदर द्वेष भाव बहुत होते हैं, या ये होता है कि बंदा केवल पैसे के लिए ही काम कर रहा है, तो उसकी भावना तो ट्रांसफर की नहीं है, वो तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर, तो या तो वहां काम होता ही नहीं है, लगे रहो बस, ये रहता है, हाँ नहीं देखो जी मैंने ट्रांसफर कर दिया है, हो गई है, सामने वाले को कोई इफेक्ट आता है, तो उस समय देखना पड़ता है कि उसने किस भावना से किया, कौन व्यक्ति था, क्या था, वो चीज यहाँ पर जरूरी हो जाती है। चलिए, हेलो। हाँ बताएं हाँ जी, मैं उर्मिल यादव बोल रही हूँ। जी, बताएं। ऐसा है, मेरी जो साउथ साइड है ना मकान की, जो आपने कल बताया था, ये बड़ी है नॉर्थ साइड की वाल से, साउथ साइड की वाल का एरिया बड़ा है। अच्छा, मतलब हाँ कॉर्नर एक्सटेंडेड है, ये कहना चाह रहे हो आप, हाँ 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 ठीक है? तो इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहें तो फिर कहेंगे इसको ठीक करो, ना कंस्ट्रक्शन क्या, ये तो 20 साल नहीं करना। पुराना दुकान है। अच्छा, तो होता क्या है, यदि कोई भी ऐसा पार्ट एक्सटेंडेड है हाँ तो वहां पे जो एनर्जी है वो पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाती है। अच्छा सिंपल सी बात है, यदि कोई अपने एंगल में नहीं है, उसने अपना रास्ता छोड़ दिया, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो अच्छा वहां पे पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करो। वैसे तो पौधे वगैरह लगाए हुए हैं वहां। वो भी अच्छा है, पौधा भी क्या है, यदि लाइव फ्लावर हैं, आजकल तो आर्टिफिशियल लगा रहे हैं है ना ना, ना, लाइव 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 है, लाइव फ्लावर है। लाइव हैं तो अच्छा है, वो भी पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं, हाँ उससे भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? बस वहां पर क्या है, थोड़े से गमले बड़े रख लो, वेट अच्छा डालो वहां पे जमीन पे, साउथ है ना,
साउथ में वीट भी डालो और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा लो। अच्छा लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अब आ रही है गर्मियां, हाँ गर्मियों के अंदर वहां धूप सबसे ज्यादा टाइम रहेगी, गर्मी बहुत रहेगी, तो हाँ उनको गर्मी से बचाना है। ऊपर जैसे आजकल हुआ रहा है नेट वाला कपड़ा वगैरह लगा के ग्रीन हाँ 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 वो कलर का, तो पता थोड़ा सा छां रखनी है जिससे पौधे सही ग्रोथ करते हैं। असल ये पूरब की साइड है, हाँ, क्या चीज? और जो जो एरिया बढ़ा हुआ पीछे की साइड ही है, नहीं, और आपने मुझे साउथ बताया ना, साउथ की दक्षिण। पूरी वाल वाल है, वो लंबी है ना, तो वो हाँ, कॉर्नर ही बड़ा होगा ना, वो अच्छा उस अच्छा उधर अच्छा दीवार बड़ी है तो, और उधर बाथरूम भी है वो तो फिर तो, पूरा नक्शा देख के ही पता चलता है जी, क्योंकि तो उसके हाँ अंदर डिग्री निकलती हैं, जो हम कैलकुलेशन के अभी बताऊंगा मैं, वो हाँ जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये कैलकुलेशन ही हम सही मायने में नहीं कर पाते, और वो कैलकुलेशन करनी जरूरी है, जब तक अच्छा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जी हाँ, जी तो मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, अच्छा, चलो फिर आपसे वो करेंगे, आपका नंबर मिलेगा फिर करेंगे, अभी तो क्लास अटेंड कर लेते हैं। हाँ जी, तृप्ति मोदी जी, सर रखना मेरा है एक जाना। बेडरूम साउथ वेस्ट में, साउथ हाँ, वेस्ट में एक बेडरूम, तो साउथ वेस्ट में मेरा कंप्यूटर का टेबल भी है ना जी, बहुत कम आ रहे। तो वहां पे ऐसी पोजीशन बनाओ कि आपकी फेसिंग, कंप्यूटर यूज करते हुए आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दो, ऐसी जगह पर आप। इसकी तरफ फेसिंग हाँ, ईस्ट की तरफ ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? वो तो देखो, जहां है। पे रूम है अपने टेबल लगा के, या तो बाहर निकल सकते हो तो चले जाओ आप वेस्ट साउथ वेस्ट में। वो मैं अभी आपको 5 मिनट में ना, सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में जो हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। डाउजर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इधर टेबल के अच्छा पास। अच्छा 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 देखो, जैसे हमारा, मैं ले रहा हूं रूम, ये मैं स्टेट लाइन है उससे हाथ से खींच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तिरछा रही है, ये स्टेट मान के चले स्टेट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हाँ इसका सेंटर कैसे निकलेगा कि मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिला दूं, इस पॉइंट से लेके मैंने यहाँ के पॉइंट को मिला दिया, तो ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। अब यहाँ सेंटर पे खड़े हो जाओ, अब यहां से देखो कि नॉर्थ किधर है। वाला फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नॉर्थ है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ है, और नॉर्थ कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब टोटल मिला के कितने डिग्री है? 360 होते हैं, यानी कि जब मैं यहां से चलूंगा तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। यदि मैं जब यहां से चलूंगा तो मुझे कितने पे जाना है? 90 डिग्री पे जाना है। यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा आएगा 245 डिग्री, और 0 और 360 डिग्री एक ही होता है। अब हमें क्या करना है, पहले 0 डिग्री निकालने के बाद, उसके बाद हमें देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इस लाइन के बीच में ही आए, कहीं और भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपका साइज क्या है। मान लो ये आपका 20 फिट बाई 30 फिट है तो यही आएगा, और मान लो कई बार क्या होता है 15 फिट बाई 45, यानी कि 1:3 रेशो हो जाता है, 1:3 की रेशो आ जाती है। फ्रंट जो है 15 है, जो उसकी लंबाई है 45 फीट, 60 फीट हो जाएगी। तो जितना लंबा होगा उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, तो डिग्री चेंज होगी तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो उस हिसाब से हमें डायरेक्शन निकालने पड़ेंगे। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की, सॉरी साउथ ईस्ट की, तो नॉर्थ है ये, ईस्ट है, ठीक है, और ये मेरा साउथ हो गया, तो ये क्या हो गया उस इन दोनों के बीच में। अब ये बताओ कि साउथ ईस्ट कहाँ आएगा? यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में तो है नहीं, तकरीबन साउथ ईस्ट यहाँ पर आएगा, कोने में नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ से कितनी जगह है, यहाँ से कितनी जगह, तो ये डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, यानी कि 90 प्लस 45 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट आता है, वो कंपास से देखोगे। ऐसे आपको डायरेक्शन निकाल के फिर आपको वर्किंग करनी है। जब आपको सही मायने में पता चलेगा कि आपके घर की डायरेक्शन कौन सी है, फिर उसके हिसाब से इस पे काम करो। हम लोग क्या करते हैं, हमने नॉर्थ ये माना, हम कहेंगे यार ये वाला तो साउथ हो, इसके बीच में ईस्ट हो गया वेस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट का ये कोना साउथ ईस्ट हो गया, हम ये कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन गलत हो। इसीलिए
हम काम करते हैं, रेमेडी कर लेते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, रेमेडी भी फिर प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसके इफेक्ट या तो आएंगे नहीं या गलत आएंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाँ हमारे तो है ही कॉर्नर पे, मतलब तो वही चीज है ईस्ट ना, है वो कॉर्नर पे है। यदि कॉर्नर पे है, ईस्ट कोने पे है, तो आपको वहीं से फिर डिग्री के हिसाब से वो बनाना पड़ेगा। पूरा जब कॉर्नर पे, डिग्री लेंगे ना तभी आएगा। चारों दिशाएं कॉर्नर पे हैं, हाँ, कंपास से तो देखो डायगोनल तो। प्लॉट हो गया ये। हाँ अब वो देखना पड़ेगा कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके हिसाब से इसको हाँ ठीक करना। लंबाई वो ये 12 मीटर लंबाई है, ठीक 25 मीटर चौड़ाई है, पर है, बस तो हिसाब से कैलकुलेशन करके आप। एक साइड में 25 है, एक साइड में ज्यादा है 28 27। हाँ, जब भी तो चेंज हो गया ना, वो चेंज हो गया। ठीक है, हाँ वही बात, चलो। तिरछा है। अब हमने कल काम वर्किंग करी थी, कल और परसों में हुआ क्या था कि हमने बात करी थी ब्लू कलर की, दूसरे दिन बात करी हमने रेड कलर की। तो ब्लू और रेड पे हमने वर्किंग करी, ठीक है। और हम आज जो हम वर्क करेंगे वो सारी की सारी हम वर्किंग रहेगी हमारी ग्रीन कलर। ब्लू कलर हमें क्या दे रहा था कि पानी के अंदर पानी का जो व्यवहार है या पानी जैसा है वैसा ही हमें बनना है, वैसे ही हमारे आचार विचार वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे यदि हम पानी के साथ वर्क करते हैं। यानी कि यदि हम ब्लू कलर की मैनिफेस्टेशन करते हैं, ब्लू कलर की साधना करते हैं, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ठंडकपन आए। इसलिए कई बार आप देखते हो जो स्वर साधना करते हैं उन्हें इस चीज का अच्छी तरह आइडिया है कि आप जैसे मान लो मार्केट में गए, आपको प्यास लगी, पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं कि जो ब्लू कलर की, आप अपने ज्ञान केंद्र पर ब्लू कलर देखना शुरू करो। नहीं कर पा रहे तो क्या करो, अपना चंद्र स्वर स्टार्ट करो, वो बहुत इजी है। चंद्र स्वर स्टार्ट करो, उसमें भी जिन लोगों को नहीं बता बता देता हूं, वहां पे क्या करो, नॉस्ट्रिल के आगे नीचे उंगली रखो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, देखोगे कि एक नॉस्ट्रिल से श्वास ज्यादा तेज आ रहा है, एक से या कम आ रहा है, या नहीं भी आ रहा है, जो से ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो नॉस्ट्रिल चल रहा है। राइट का मतलब होता है सूर्य यानी कि सन, और लेफ्ट का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा ठंडा होता है, सूर्य हमेशा गर्म होता है। तो यदि आप मार्केट में हैं और आपको प्यास लग रही है, पानी नहीं है, परेशान है, कुछ नहीं करना, आपको आपका चंद्रमा यानी कि लेफ्ट स्वर स्टार्ट कर लेना। जैसे ही लेफ्ट स्वर स्टार्ट करोगे, 2 से 3 मिनट में जो प्यास की ललक है वो अपने आप खत्म हो जाएगी और आपका सफर बहुत बढ़िया बीते। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं कि हम अपने शरीर के माध्यम से, अपने सांसों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। हम अपना व्यापार भी चला सकते हैं, घर बार भी चला सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा भी सोच सकते हैं, दूसरों की भलाई भी कर सकते हैं, सब कुछ काम अपने श्वासों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो करना जा रहे हैं ग्रीन कलर पे, ठीक है। तो सभी आप अपनी ज्ञान मुद्रा में अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोशिश करें सभी के पास ग्रीन कलर हो। और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, पहले उन पिक्चर्स को देखना है और अपना ध्यान वहीं पर लेके आना। जय जिनेंद्र देव जय जिन देव की जी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत। अब आप समझें इस चीज को, देखें, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का एक है, ध्यान बिल्कुल इधर होना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, सर, इलाज करना है सर। मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं आत्मा हूं, इसके ऊपर हमें विचार करना है। यदि मैं शरीर हूं तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है,
तो इसका मतलब तो ये होना ही नहीं चाहिए। यदि जन्म मरण है तो मेरा शरीर एज इट इज अगले जन्म में भी जाना चाहिए, तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो इस पे आपको एक विचार करना है, सभी अपनी आईज क्लोज कर लें और आईज क्लोज करके जब हम सांस को लेंगे यानी कि इनहेल करेंगे तो मैं बोलना है मैं शरीर नहीं हूं, और जब एक्सेल करेंगे बोलना है मैं चैतन्य आत्मा हूं, और अपने ज्ञान केंद्र पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, अच्छा मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ, और आपका ध्यान सिर्फ ज्ञान केंद्र पर। इनहेल करते हुए मैं शरीर नहीं हूं, एक्सेल करते हुए मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। धीरे से अपनी आईज खोल लें। अब देखिए एक आपको ग्रीन कलर का एक बॉल नजर आ रही है और बॉल के अंदर हम बैठे हैं, तो ये हमें सोचना है, विचार करना है कि ये प्रकृति है। जो भी हमारे साधुगण हैं, जो भी ऋषि हुए हैं, वो हमेशा जंगलों में जाकर ही तपस्या क्यों करते हैं? एक कारण तो ये है कि वो घर बार से दूर चले गए, लेकिन जंगलों में ही तपस्या क्यों? क्योंकि वहां पर हरियाली के बीच में बैठकर जो शांति मिलती है, जो नेचुरल हवा वहां पर मिलती है, वृक्षों के नीचे बैठकर जो ऑक्सीजन मिलती है, वहां पर हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। आपका मन भटक रहा है, आप इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, जाप करने बैठते हैं, मन कहीं पर भी भाग जाता है, तो यहां पर आपको हरे रंग का ध्यान करना है और ये सोचना है कि एक ग्रीन कलर की बॉल है और उसके अंदर मेरी एक आत्मा। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक रोशनी नजर आ रही है। तो ये क्या है? ये एक शरीर जो है दिखाया गया है, शरीर का आउटर दिखाया गया है कि एक शरीर, उसके अंदर एक आत्मा है। तो मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। जो चीज आत्मा के साथ जाती है वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहती है। खाया पिया शरीर के साथ लगेगा, शरीर यहीं की यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाना है। साथ में क्या गया?
हमारी एजुकेशन, आध्यात्मिकता, हमारे विचार, हमारे शुभ विचार, उनके द्वारा जो हमने कर्म बनाए, चाहे वो कर्म शुभ थे चाहे वो अशुभ थे, वो हमारे साथ चलने शुरू हो गए और अगले जन्मों के अंदर वैसा ही हमें परिवार मिलता है, वैसा ही समाज मिलता है, वैसे ही लोग मिलते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रतिदिन रात को बैठकर अपने खाते को जीरो कर लो, फॉरवर्ड मत करो। पूरे दिन आपने क्या किया, कितने कर्माज आपने बांधे, कितने अशुभ करे, कितने अशुभ करे, क्योंकि शुभ कर्म भी हमारे लिए घातक है, अशुभ कर्म भी घातक है, क्योंकि कर्म का होने का मतलब है हमारा जन्म का होना। यदि शुभ कर्म बांधेंगे तो जब भी जन्म होगा, अशुभ बांधेंगे तो भी जन्म होगा, और जिस दिन शुभ और अशुभ कर्म ही खत्म हो जाएंगे, हम अपने जीवन से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि उसी समय हमें मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। तो ये ग्रीन कलर जो है, ये हमें दर्शाता है कि हमें कैसे और क्या करना है। ध्यान दो इसके ऊपर, इस कलर के ऊपर, देखते रहो देखते रहो, क्या चीज नजर आ रही है। देखो साइड के अंदर बहुत ज्यादा डार्क है, उसके बाद लाइट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, लाइट होता। क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं नजदीक से देख रहा हूं तो ये मुझे डार्क नजर आता है, और धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ये जो सेंटर का पॉइंट है बहुत ऊंचाई पर है। यहां पर अपना पूरा ध्यान लगाओ, ध्यान लगाया, आईज क्लोज करो, और आईज क्लोज करके देखो कि क्या मुझे ग्रीन कलर नजर आ रहा है। जब तक ग्रीन कलर नजर आए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड देखो, और फिर उसके बाद आईज क्लोज करके फिर इस कलर को देखो। ये बार बार करो। ग्रीन कलर हमारे शरीर को बैलेंस करता है, हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ता है। आज हम जो छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाते हैं, या हम किसी चीज के लिए बहुत ललायक हो जाते हैं, या थोड़ा सा भी प्रेशर आए उसको झेल नहीं पाते हैं, उसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस ही नहीं है। और ये ग्रीन कलर जो है हर चीज को बैलेंस कर देता। जिन लोगों को मोटापा है उनके लिए तो ग्रीन कलर वरदान है, कि ग्रीन कलर की जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं, हरी सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें कच्चा खाओ और मॉर्निंग में ही खाओ। 12 बजे तक कुछ भी सॉलिड नहीं लेना, लिक्विड लेना है, और उसके बाद हरी सब्जियां, उनकी जो है सलाद वगैरह बना के, उनका जूस बना के, हरी सब्जियां। आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन है वो मजबूत होगी, और आपका खाया हुआ खाना हजम होना शुरू होगा। अब आप इस तस्वीर को देखो, इसके बैक साइड की वॉल भी ग्रीन, इसके क्लोथ भी ग्रीन, और साथ में ही जो वाटर के 2 ग्लासेस रखे हैं उनमें भी ग्रीन कलर की एनर्जीज जो हैं हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। कितनी डार्क, ये शांति का प्रतीक है, बैलेंस का प्रतीक है, कि हमारी जो है इनर पावर जो है बैलेंस हो रही है। और इससे क्या है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता
क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है कॉन्फिडेंस का कम होना। उन्हें लगता है यार हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे बस की कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ग्रीन कलर जो है, हरा रंग जो है, हमारे यदि हम चक्रास के हिसाब से देखें तो हार्ट चक्रा के साथ मैपिंग होती है। हार्ट, दिल। हम बार बार कहते हैं या दिल में घबराहट बहुत होती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहते हैं मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है, इसके मतलब क्या है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। हम किसी बात को सुनकर हजम नहीं कर पाते, या बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, या हमारे मन में घबराहट शुरू हो जाती है, हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग ज्यादा करनी शुरू कर देता है या कम करनी शुरू कर देता है। यदि हमारा हार्ट जो है इम्प्रॉपर पंपिंग करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन उसके हिसाब से डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ तो माइंड को भी ब्लड प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो वहां पर माइंड भी डिस्टर्ब हो गया, और माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपके लिए हुए डिसीजन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पर विनोबिन क्या चीज हुई कि संभावनाओं वो भी विनोबिन को हमें ठीक करना है, उन संभावनाओं को हमें ठीक करना है, उन संभावनाओं को हमें ठीक करना है। जब भी हम बोर हो जाते हैं या गर्मियों की छुट्टियों में एकदम हमारा मन करता है कि भी किसी पहाड़ी इलाके पर चला जाए, ऐसी जगह जो शांत हो। यदि आपने यहाँ गर्मियां हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसी जगह चलें जहां हमें ठंडक मिले, हमारे शरीर को ठंडक मिले, हमारे मन को ठंडक मिले। जितने मेडिटेटर हैं, जिनको भी मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, वो क्या कहेंगे यार किसी ऐसी पहाड़ी इलाके पे चलते हैं या कोई ऐसी सुनसान जगह पर चलते हैं जहां पेड़ पौधे हों, हरियाली हो। और अक्सर लोग क्या हिमाचल की तरफ ज्यादा जाते हैं, वहां पे क्या हरियाली बहुत है, और वहां कहीं पर भी पेड़ों के बीच में बैठ जाएंगे और वहां देखेंगे कि चारों तरफ हरा ही हरा महसूस हो रहा है। और यहां पर हम जब बैठते हैं तो हमें ये ही पता नहीं होता हमने 1 घंटा बिताया, 2 घंटे बिताए, 4 घंटे, क्योंकि हरा रंग जो है हमारे मन को इतना अच्छा लगने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारे इंटरनल जो पार्ट है उनको बैलेंस कर रहा है, और जैसे जैसे वो बैलेंस होते हैं हमारा हार्ट जो है प्रॉपर वर्किंग करना शुरू कर देता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, और हमारे मन के अंदर जो विचार हैं वो बहुत ही शुद्ध विचार। आप कभी भी ध्यान करना कि जब कभी आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आंखें बंद करो और बार बार पत्तों को देखोगे, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके बुरे विचार नहीं आएंगे, चाहकर भी नहीं आएंगे। इसीलिए कहते हैं यदि कभी ऐसी कोई घटना घट जाए, किसी से मन मुटाव हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, तो जाकर पेड़ के नीचे बैठो और पेड़ की पत्तियों की तरफ देखना शुरू कर दो। सिर्फ देखने मात्र से जो आंखों के अंदर ग्रीन कलर एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे तक हमारा पूरा शरीर शांत में हो जाएगा, शांति। आपने कभी किसी भी जानवर को, पशु को देखा है, जो भी गाय हैं, भैंस हैं, क्या खाते हैं वो? हरी सब्जियां।
घास, हरी घास, हरे पत्ते। कभी भी सूखे हुए पत्ते खाते हुए देखे हैं? हरा, क्योंकि जब प्रकृति कोई भी चीज डिजाइन करती है तो हर चीज का बैलेंस जरूरी है। गाय है, घास खाती है, पत्ते खाती है, और उसके बाद हमें दूध देती है, और उस दूध को पीकर हम कितने चुस्त हष्ट पुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। तो यहां पर जो चीज है ये सब हरे पत्तों की। यहां तक स्वर विज्ञान के अंदर भी ये चीज आती है कि माता पार्वती ने जब भगवान शिव से स्वर का रहस्य पूछा तो वो कहां पर बैठे थे? बड़ वृक्ष के नीचे। क्योंकि कोई भी आप विद्या लेना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका शांत माहौल में बैठना जरूरी है। उस समय आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है उसका बैलेंस होना जरूरी है, कंसंट्रेट होना जरूरी है। यदि आप बैठ गए, सामने वाला बोल रहा है और आप कहीं और देख रहे हैं या विचार कुछ और चल रहे हैं, तो वहां पर आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हम क्लासरूम में देखते थे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, यदि हमारा ध्यान उन ओर लगा हुआ है, उनकी बातें हमें समझ में आ रही हैं, तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करते थे। अदरवाइज दो बच्चे यदि बात कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ भी हमारे समझ में नहीं आता। तब आपको एक शांत मुद्रा में बैठना है, और आपको भी हरियाली को अब आपको देखना है कि जो मेरे ऊपर हरियाली है उसको मैं अपने मन के अंदर कैसे बसाऊं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा में हाथ अपने घुटनों पर, नीज के ऊपर, एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें, एक लंबा सांस, फिर धीरे से छोड़ें, फिर एक लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। छुट्टियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, मैंने भी अपनी जॉब से छुट्टी ले ली है, बिजनेस की छुट्टी कर ली है, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल की वादियों में गया, और मुझे वहां पर एक ऐसा स्थान मिला जहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, बहुत ही सुहाना मौसम। मैंने वहीं पर एक साफ सी जगह देखी और मैं वहां पर बैठ गया। मैं बैठा हूं, ज्ञान मुद्रा में मैं बैठा हूं, मेरी कमर सीधी, गर्दन सीधी, थोड़ा सा गर्दन ऊंचा, और सारा ध्यान मेरी ज्ञान चक्र पर, और मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि मेरे चारों तरफ हरे भरे पेड़ ही पेड़ हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गुब्बारे के अंदर बैठा हूं, बैलून के अंदर बैठा हूं, जो कि ग्रीन कलर का है। ये कोई गुब्बारा नहीं है, बैलून नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दी गई ऊर्जा है। मैं ऊर्जा के घेरे के अंदर हूं,
मन बहुत शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को टच करके निकल रही हैं। मेरा मन बिल्कुल शांत। हरे रंग की रोशनी मेरे शरीर के ऊपर लगातार पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर हरा हो गया है, हरे रंग का हो गया है। लगातार पत्तों की आवाजें आ रही हैं। हवा चल रही है तो पत्तों की आवाजें, जो लीव्स हैं, उनकी साउंड क्रिएट हो रही है। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे शरीर के चारों तरफ हरे भरे पत्ते ही पत्ते हैं। मेरा पूरा शरीर पत्तों से ही बना हुआ। अनुभव करें कि जहां पर हमारा हार्ट है, जहां पर हमारा दिल है, वहां पर एक फूल है और फूल के ऊपर हमारा एक छोटा सा दिल रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पंपिंग कर रहा है। हार्ट को देखकर, उसकी पंपिंग को देखकर बहुत आनंद आ। हरा भरा मेरा दिल। हरा भरा मेरा परिवार। हरा भरा मेरा घर। हरा भरा मेरा आस पड़ोस। हरी भरी नगरी। हरा भरा मेरा देश। चारों तरफ ही हरियाली, चारों तरफ खुशी ही खुशी है, समृद्धि ही समृद्धि। जिधर भी मेरी नजरें जा रही हैं और जिनके बारे में सोच पा रहा हूं, सब खुश हैं, सब मौज में हैं, सबके यहाँ सुख समृद्धि भरपूर है। सबके यहाँ हरियाली ही हरियाली है। मैं भी अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा परिवार भी अच्छा, मेरा घर भी अच्छा, मेरे पड़ोसी अच्छे, मेरी नगरी अच्छी, मेरा देश भी अच्छा। सभी संपन्न हैं, सभी संपन्न हैं और सभी खुश हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बैलेंसिंग चारों तरफ। धीरे धीरे अपने घर के अंदर आ जाएं। घर के अंदर जहां पर भी आपने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, उन पर ध्यान दें। महसूस करें कि मैं सुबह उठकर अपने घर के अंदर जो भी मैंने गार्डनिंग कर रखी है, वहां पे मैं पानी दे रहा हूं। बहुत ही कोमलता के साथ उनको सहलाकर, उनको थोड़ा थोड़ा पानी जिनकी आवश्यकता है नहलाते हुए, अपने पेड़ पौधों को
जो भी मैंने गार्डनिंग करके वहां पे पानी दे रहा हूँ, उनको सहला रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, पेड़ पौधों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बातें करता। सुबह सुबह फूल खिले हुए हैं, उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मेरा तन और मन प्रफुल्लित हो गया है, खुशियां ही खुशियां मेरे घर के अंदर आ रही। अब अपने शरीर के अंदर जाके और इस पर विचार करें कि मैंने अपने शरीर के बारे में तो सोचा, लेकिन आखिर मैं हूं कौन? मेरे साथ क्या जाएगा, क्या यहीं पर रह जाएगा? आज से ही मुझे ये प्रण लेना है, ये डिसीजन लेना है कि मुझे अपने कर्मों का जो बैलेंस है वो यहीं पर जीरो करना है। मेरा किसी से वैर भाव नहीं है, मेरी सभी से मित्रता है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं इस संसार में, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मैं सभी से प्यार करता हूं, सभी मेरे हैं। यदि मेरे द्वारा कोई भी किसी के प्रति कटु शब्द कहा गया हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी को क्षति पहुंची हो, मैं उससे माफी मांगता हूं और मैं सभी को माफ भी करता हूं। मैं अपने सभी पितरों से, अपने बड़े बुजुर्ग जो अभी संसार में नहीं रहे, उनसे हृदय से क्षमा याचना करता हूं कि आपकी सेवा में यदि मेरे से किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, मैं दिल से क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस संसार में जितने भी जीव हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जितने भी जीव हैं, मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं। और इस संसार में जितने भी एकेंद्री जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, यदि मैंने जाने में अनजाने में कुछ पत्ते तोड़े हों और मेरे तोड़ने से प्रकृति की क्षति हुई हो या किसी पेड़ पौधे को कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करता हूं। मुझे पता है कि पेड़ पौधे का जो व्यवहार है या उनके जो संस्कार हैं, उन्होंने हमेशा देना सीखा है, कभी वो लेते नहीं। पेड़ों में फल लगते हैं तो फल देते हैं, फल नहीं दे पाए तो छाया देते हैं, और उस हरियाली से हमारे इस जीवन को बचा कर रखते हैं।
और जब पेड़ सूख भी जाता है तो ईंधन के रूप में लकड़ी देके जाता है। ये केंद्रित जीव, ये वृक्ष, जिस प्रकार से आपके संस्कार के अंदर देना सीख, देना ही देना है, मेरा जीवन भी ऐसा ही बने। मैं संग्रह की तरफ ना जाऊं, मेरा व्यवहार भी ऐसा हो कि जो भी मेरे पास है, जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं उन व्यक्तियों को दूं जिनको इनकी आवश्यकता है। मेरा भी व्यवहार, मेरा मन भी इस प्रकार से परिवर्तित हो। और अपने ज्ञान केंद्र पर हरे रंग की एक पट्टी का ध्यान दें। कभी गहरा रंग, कभी हल्का रंग, बार बार हरा ही हरा, हरा ही हरा, हरा ही हरा। एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें। एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। दोनों हथेलियों पर रख के, अपनी आईज के ऊपर रख के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? कविता जी, आईज आराम से खोलें। आपको क्या फीलिंग आई, क्या देखा? हाँ जी महेंद्र जी, सर पहाड़ियां देखी, बड़े बड़े पेड़ देखे, हरा कलर देखा, उसके बाद में गोल्डन कलर आया, और एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ सर, पूरा बॉडी हल्का, एकदम रिलीफ लग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। कोई और जो अपने? जी हाँ जी जी बताएं, जो भी बोलना चाहें, जो अपने शेयर करना चाहें, जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो हैंड रेज कर लें, जिससे वन बाय वन हम बात कर सकें। जी शुभ नाटा जी, जय हाँ, जय जिनेंद्र सर। मतलब जिंदगी। इसमें सर ध्यान किया तो मैंने, तो एक्चुअली अभी मैंने एक ब्रेसलेट देखा था पन्ने का, तो मैंने जैसे वो अंबानी जी का उसी पर फोकस किया, तो पूरा वही नजर आया, उसके चारों तरफ जरूर थोड़ा सा अंधेरा था, मतलब दैट इज मतलब, अब तो बात मैंने कहा यहाँ पर ये पन्ने से आती है, बढ़िया अब हरा कलर किसी का हो नहीं सकता बात ये आती है, अब है। बात ये है कि आपने पन्ना देखा, ठीक है, पन्ना देखने के बाद आपके मन के अंदर क्या विचार हुए, या आपको क्या फीलिंग हुई? हल्कापन महसूस हुआ, ठंडापन महसूस हुआ, क्या चीज आपको अनुभव हुआ? बात ही नहीं, एक्चुअली हरा देखने बाद तो ठंडापन ही महसूस होता है सर, मैं रिलीफ जैसे महसूस करता हूँ, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने देखा कि ये पन्ना है मतलब, तो पन्ने का ध्यान करके, अदरवाइज तो मैंने शीट भी ले रखी थी लेकिन उस ओके पर इतना ध्यान नहीं जम रहा था बंद। ओके, चलो हाँ अच्छा है। अब आप एक चीज और देखें कि आपने नगों के बारे में सुना होगा, जब भी ज्योतिष के पास जाते हैं वो कहते हैं ये नग पहन लो, ये नग पहन लो, तो हर नग जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए बना होता है, उनकी एनर्जी अलग अलग। लेकिन एक चीज और है कि यदि आप पन्ना पहन लेते हैं, यानी कि हरा रंग पहनते हैं, तो 90% लोगों को वो सूट कर जाता है।
90% लोगों, केवल 10% ऐसे होंगे जिनको सूट ना भी करे। अदरवाइज पन्ना ही ऐसा एक नग है जो 90% व्यक्तियों को सूट कर जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है, ठंडा रहना, शांत रहना, और पन्ना जो है हरा रंग क्या है वो हमें करके दे रहा। तो यहाँ पर हरा रंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति हरा पहनता है। फिर दूसरा, ये बुध का कारक है। क्या कहते हैं, बुध करे सब शुद्ध, यानी कि बुध जो है वो सब कुछ भला करते। यदि हम वास्तु के हिसाब से चले जाएं तो बुध जो ग्रह है वो नॉर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉर्थ में क्या है, समृद्धि है, सुख शांति है, पैसा है। यानी कि यदि हमें एक चीज को यदि पकड़ें तो क्या है, यदि मेरा मन शांत है, मेरे विचार शांत हैं, तो क्या होगा, मेरी डिसीजन पावर भी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। जब मैं किसी से कटु शब्द बात नहीं करूंगा तो मेरे विचार भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब मेरे विचार अच्छे होंगे तो क्या होगा, मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो मेरा ओरा है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और स्ट्रोंग हो जाएगा। और इस ओरे के साथ कोई भी व्यक्ति कनेक्ट करेगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके साथ डील करना चाहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके साथ अच्छी डील करेगा, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इमीजिएट कहेगा कि आप कल से ही आ जाओ, आज से ही आ जाओ, क्योंकि उसके हमारा ओरा इतना स्ट्रांग था कि उस व्यक्ति को टच कर गया और हमारे काम बन गए। तो जब ऐसा होगा तो नेचुरली है पैसा भी आपके पास ऑटोमेटिकली ही आ जाए। अब देखिए एक चीज से कितना कनेक्शन मिलता है, और यही नेचर बोलती है। नीला जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज पहली बार, जैसे मैंने मेडिटेशन किया, पहले भी किया हुआ है, बट आपकी बार मुझे थर्ड आई पे वाइब्रेशन महसूस हुई पहली बार। हाथों पे तो हमेशा होती थी लेकिन थर्ड आई पे पहली बार हुई आज। लेकिन लाइट का तो कोई कलर नहीं दिखाई दिया मुझे। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो ये कलर आपको बहुत ज्यादा सूट कर गया, नंबर वन। और दूसरा क्या है, आपका जो थर्ड आई जो चक्र है वो खुलना शुरू हो गया है, वो आपके लिए अच्छा है। और आपको एक चीज और बताऊं, जब मैं अपने गुरु के पास बैठा था, आज से 25-30 साल पहले की बात बताता हूँ, नवकार मंत्र जब हम पढ़ते थे तो हम नॉर्मली कहते नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो झाणम, नमो लोचसम, यानी कि 1 मिनट में ही हमने पढ़ दिया। तो गुरु महाराज ने ये मुझे विद्या दी कि जो ये पद होता है, इन सबके कलर हैं। जैसे नमो रिंताणम उसका व्हाइट कलर है, नमो सिद्धाणम उसका रेड कलर है, नमो आयरियाणम उसमें येलो कलर है ना, और नमो विधान उसके तो ग्रीन कलर है, और नमो लोई सविषाण उसमें अंदर डार्क ब्लू कलर है। तो ये 5 कलर है। वो कहते हैं जब भी हमें मंत्रों का उच्चारण करना है तो कंटिन्यूशन में नहीं, उन मन जब उच्चारण करते हैं तो जब आप कोई पद बोल रहे हैं तो पद बोलते बोलते अपने ज्ञान चक्रा पर उसका कलर का ध्यान करो। जैसे मैंने बोला नमो अरिहंता, और ये स्लो स्लो बोला, तो उस समय मेरे थर्ड आई पे व्हाइट कलर आना चाहिए। नमो सिद्धाणम बोला तो मेरे थर्ड आई पे रेड कलर आना चाहिए। यानी कि पांचों पद जब बोलेंगे तो ये पांचों के पांचों कलर वन बाय वन आने चाहिए। और जब आप ये एक माला करते हैं, वैसे नॉर्मली माला जो हम स्पीड में करते हैं 5 मिनट में एक माला करते हैं, और जब हम कलर के माध्यम से माला करते हैं तो इसमें पूरा 1 घंटा लगता है। और जिस दिन जिस व्यक्ति ने माला कर ली और वहां कलर बैठने शुरू, शुरू शुरू में तो नहीं आते, धीरे धीरे उनकी शेड आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर पूरा कलर आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन ये कलर आपके माइंड में आ गया तो आप ये समझ लेना आपका शरीर जो है रंगमय हो गया है, नेचर के साथ मैच हो गया है, आपके शरीर के अंदर बीमारियां कोसों दूर चले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक होंगे।
क्योंकि आपके साथ टेंशन नहीं होगी, पैसा कम है ज्यादा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। आज हम क्या है, हम काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं जब भी हम परेशान हैं, 2 लाख कमाते हैं जब भी परेशान है, 5 कमाते हैं जब भी परेशान। तो इस परेशानी को दूर करने का ये एक उन्होंने तरीका बताया कि आप यदि ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी पड़ोस सो। सर एक बार आप इसको रिपीट कर देंगे, जैसे नमो अरिहंताड़म का आपने व्हाइट कलर बताया था, नमो सिद्धाड़म का रेड, नमो राइट, अरिहंताड़म का येलो हाँ, एंड नमो देन उपजयनम का ग्रीन ग्रीन, और नमो लोई सविसाउन का डार्क सिद्धाड़म का डार्क कलर आता है, डार्क ब्लू ना। डार्क ब्लू या ब्लैक। एक्चुअल में डार्क ब्लू आता है ना तो वो रेड ब्लैक की तरह नजर आता है, तो डार्क ब्लू और रेड इसका। तो ठीक है सर, जब आप बोलेंगे तो ये क्या होता है, सांस के हिसाब से बोलना होता है। अच्छा एक चित्र श्वास नहीं आ में रहा है एक पद, वीडियो। एक श्वास में एक पद। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में क्या है, बेशक आप 3 बार नवकार मंत्र पढ़ो लेकिन उसको कलर के साथ करो। फिर जब आपका 3 बार हो जाए, आपको लगता है कि भी जब आपके 3 हो जाएंगे ना 3 बार, तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि एक बार हो, एक बार हो, एक बार हो, क्योंकि वहां पर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज जरूरी है कि हम ध्यान लगा रहे हैं साधना में, साधना में ध्यान नहीं लग रहा, पूजा पाठ में लगे हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सिर्फ ये वाली माला करनी शुरू कर दो, आपका बेड़ा पार अपने आप। अनम्यूट अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मुझे आज मालूम था कि इनमें ये कलर्स होते हैं, तो बस मंत्र तो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। अच्छा, कोई जी नहीं, आप ये वाला कलर करो और मैं आपके ग्रुप में डाल भी दूंगा, ठीक जी है, ओम के अंदर कलर, ठीक है सर क्योंकि कलर ही सब कुछ है। आप ये देखे ना कि जब आई टेस्ट कराने जाते हो तो वो जी सबसे सर पहले पूछता है कलर कौन से नजर आ रहे हैं। जब तक हमें कलर नजर नहीं आते तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस है। जी कलर होना जरूरी है और इसके अंदर ग्रीन कलर तो बहुत ही जरूरी है। सर जी तो थैंक यू सर। और हम, हाँ, अब हम जो है कल हम जब बात करेंगे, कल करेंगे हम येलो कलर की, और येलो कलर किसका होता है, पृथ्वी का, स्टेबिलिटी की। पैसा आया तो सही, टिका नहीं, अब टिकाना भी तो है। तो येलो कलर शुभता, शुभता का प्रतीक है। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम येलो कलर से ही काम करते हैं, है ना, हल्दी से काम करते हैं, हल्दी लगाना, जो भी शुभ काम होगा वो पीले रंग से ही शुरुआत करते हैं। तो कल हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि पीले कलर से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और साथ में शुक्रवार के दिन जो हमारा 5th डे रहेगा उसके अंदर ध्यान रखना है कि होली के 5 कलर, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट, और इनमें खुशबू होना जरूरी है, ध्यान रखना। जो आजकल कलर आ रहे हैं उनमें महक होती है, अच्छी महक होती है, और यदि व्हाइट कलर ना मिले तो टेलकम पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी एक स्मेल, अच्छी स्मेल का पाउडर होता है। तो अभी हम अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं और उन कलर से हम अपने घर की एनर्जी को बढ़ाएंगे। वो मैं बताऊंगा कि आपको होली के दिन कैसे अपने घर की एनर्जी को बढ़ा के, और उसके साथ हमें अपनी और अपने घर की एनर्जी को मैपिंग करना, क्योंकि यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये समझ लो अगले 6 महीने तक आपने अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर लिया। फिर आपको दिवाली पे जाके फिर दोबारा दिवाली के हिसाब से क्रिया करनी पड़ेगी, जिससे हम अगले 6 महीने की एनर्जी को बैलेंस कर सके। ठीक है संजय जी, सर अनम्यूट होइए। प्रणाम सर। थोड़ा प्रणाम जी। सा सर वर्क शेड्यूल की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया कल भी, तो जी 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 सर उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी ना सर ग्रुप में। सब आएंगी, सिर्फ एक दिन लेट आती हैं। एक रिकॉर्डिंग आ चुकी है ब्लू कलर की, पहले दिन की, और कल मॉर्निंग में दूसरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी जो हमने रेड कलर का किया था, क्योंकि इसके अंदर ना हमारी टीम वर्क करती है
तो उसमें एक दिन का समय लग जाता है, वो आप सबको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको करें, समझें, थैंक मेन बात है कि अपने जीवन के अंदर उसका यूज करें, आपको अच्छा लगेगा, आपको बेनिफिट होगा, तो हमको भी खुशी होगी इस चीज की। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर ओके। जी। जी राजरानी जी, जय जय जिनेंद्र सर, पूछे जिन देखें। थे ये ग्रीन कलर भी कहीं लगाना है? हाँ, ग्रीन कलर जो है आपको ये पूर्व दिशा का होता है। ग्रीन कलर जो हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, उसमें लगाना है। और इसको जो शेप आएगी, उसकी शेप आएगी आपकी रेक्टेंगुलर। ठीक अच्छा है, अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ जो ये आप डायरेक्शंस निकालते हो वो कैसे करनी है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, अब इस पिक्चर को आप, आपके सामने नजर आ रही होगी, इसको देखो, जी ये मेरा हाउस है। ठीक है, अब ये मान हाँ लो कि जो ये है ये आपका है 15 फीट, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये है मेरा 30 फीट। हाँ ठीक है ना, तो हम क्या है कि हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे, ईस्ट पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिला दिया, यहां से यहां इसका सेंटर पॉइंट निकल गया, और यहाँ कंपास को लेकर जीरो देखेंगे कि जीरो कहाँ पर आ रहे हैं, या 360 कहाँ पे आ रही है। जीरो अच्छा और 360 इक्वल होता है। ठीक है, ये जी निकाल लिया। उसके बाद हमें डिग्री देखनी है कि जहां पर भी 90 डिग्री आएगी वो मेरा ईस्ट है, 180 आएगी मेरा साउथ है, 245 आएगी मेरा वेस्ट है, और 360 आएगी नॉर्थ। नॉर्थ है कलम जो बात कर रहे थे साउथ ईस्ट की, तो अब ये देखना है कि 90 और 180 के बीच में क्या आएगा, 135। तो जी 135 आपका साउथ ईस्ट है, चाहे कोने पे आए चाहे साइड में आए। अच्छा महेंद्र जी आप सुन रहे हैं, क्योंकि ठीक आपने जो चीज दी थी वो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, आप कॉर्नर पकड़ रहे हैं, आपका जो डिजाइन भेजा था वो लंबाई में है। अब कई बार क्या होता है, हमारे जो प्लॉट होते हैं ना, जैसे मान लो ये 15 फिट का है फ्रंट, सर मेरा लेकिन जो लंबाई बहुत ज्यादा होती है, सर ऐसे मेरा है जो हाँ बिल्कुल, राइट राइट ये लंबाई है आपकी, है और ना। मेरी मेरी जो बिल्डिंग है ना सर वो क्रॉस है पूरा, हाँ, उसका ईस्ट अब ये साइड है सर, कॉर्नर पे आ रहा है। हाँ, तो अब ये क्या हो रहा है कि 15 फिट तो ऐसे 60 फिट लंबा। अब यदि मेरा जीरो यहां पर आ गया तो 180 तो यहां आएगा, ठीक है, उसके बाद ईस्ट भी ठीक आ जाएगा, लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट है ये जा जाके यहां पर आएगा, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था कोने पे, लेकिन लंबाई ज्यादा आने के यहाँ पर है। इसी तरह ये जो सब डायरेक्शन यहाँ, ये साउथ ईस्ट यहाँ आएगा, तो हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हमें वो चीज देखनी है कि हमारी एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ आ रही है। ठीक है, तो जो ये हमारा ग्रीन कलर है ईस्ट का है, तो नॉर्थ देखो, ईस्ट देख लो, और नहीं तो ईस्ट तो एक ऐसी है कि हम वैसे ही चेक कर लेते हैं, भैया सूरज यहां से निकल रहा है, एक आइडिया होता है भैया सूरज यहां से निकल रहा है तो हमारा ईस्ट हो गया। तो ईस्ट की डायरेक्शन में स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपको ग्रीन कलर लगाना है, तो उससे क्या होगा, यदि वो जगह एक्सटेंडेड है या डिडक्टेड है जाएंगे बैलेंस कर सर। हाँ देंगे हाँ ठीक ये चीज। है लो बेटा, गाड़ी सुबह ठीक है। हाँ है थैंक यू सर। जी, गाड़ी पकड़े जो, ठीक है जी, तो हाँ इस ठीक है प्रकार से सर, आप उसको कर थैंक यू। सकते। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड, या जो हमारा ब्लू कलर, रेड कलर, और जो आज का है हमारा ग्रीन कलर, सर कोई आपने अगर ग्रीन कलर का जो बताया था वो थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू का था, बताइए क्या बताया था आपने, किस डायरेक्शन में लगाना है? ईस्ट में पूर्व दिशा में यस सर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लगा ग्रीन कलर का घर ग्रीन कलर। के किसी भी इस डायरेक्शन में, घर है नहीं, के किसी इस डायरेक्शन की वॉल पे। हाँ, घर पे जहां पे भी ईस्ट है वहां पे कोई सी भी वॉल आ रही हो वहां पे आप ग्रीन कलर लगा सकते। सर कितनी ऊंचाई पे लगाना है?
उससे कोई मैटर नहीं है सर। नहीं उससे मैटर नहीं है, सिर्फ वॉल वही होनी चाहिए बस। ओके सर। और ट्रायंगल है उसका कोई पर्टिकुलर साइज है क्या सर इसका ट्रायंगल का? देखो ऐसा है, ये जितने भी लगाए जाते हैं ना, ये कम से कम 9 इंची, 9 इंच या उससे बड़ा। 9 इंच लंबाई है, 9 इंच चौड़ाई नाइन है। नाइन इंच इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका हाथ पूरा खुल जाए, मतलब छोटा सा ना हो, पता चलता छोटा सा लगा देते हैं। यस पेपर ही तो लगाना है, पेपर बड़े में क्या दिक्कत है, आप शेप बनाओ उसके ऊपर, फूल पत्ते बना दो, डिजाइनिंग कर दो। आजकल तो गूगल पे डालोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अंसा बहन जी। सर अपने कप वो कपड़ा पहनना है ब्लू ए पांचों कलर के, तो दिन तो साथ है तो कैसे पहनूं? नहीं, वो मैंने जो आपको साधना कराई थी ना, मैंने साधना के हिसाब से ही आपको बताया था। नॉर्मली क्या है, हम लोग क्या करते हैं, डार्क को इग्नोर करते हैं, ज्यादा डार्क नहीं पहनते, लाइटिश में या कंट्रास्ट में पहनते हैं। नॉर्मली आपको बता दूं, जैसे हमारा जो 3 दिन जो है कहते हैं थोड़े से भारी होते हैं, भारी का एक तो ट्यूसडे मंगलवार, एक होता है सैटरडे शनिवार, और एक होता है संडे। ये एज पर एस्ट्रोलॉजी ये थोड़े भारी कलर होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि हमारा ट्यूसडे है तो इस दिन कहते हैं हल्का सा जो है यहाँ पे गुस्सापन ज्यादा रहता है। हमने जैसे रेड कलर की करी थी, अब रेड कलर कैसे करी थी कि मेरा जो रेड कलर है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि उसमें रेडिश बढ़ जाता है। जैसे आपने कल किया, आपने अपना बताया था ना कि मुझे तो हीट क्रिएट हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना। कईयों ने बताया कि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। अब हम उसको क्या करें, उस समय मन में विचार ला रहे हैं कि गर्मी तो है ही ज्यादा, उसको हम बैलेंस करें। तो वहां पे उस दिन क्या कहेंगे, हम रेड कलर को इग्नोर करें, कपड़े ना पहने रेड कलर। वो तो मैंने आपको मेडिटेशन कराया था, समझाया था कि क्या चीज है। जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें लाइट कलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जबकि ये भी चीज आई है कि हमें ब्लैक कलर पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ब्लैक कलर सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि वो हर कलर के साथ सूट कर जाता है, तो सबसे ज्यादा पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें उसके अंदर होती हैं, तो अपने हिसाब से लाइट कलर की तरफ ही चलें तो बेटर रहता है। और शुभ काम में भी आप देख लो, जब भी कोई शुभ काम होता कहते हैं कि भी ब्लू और ब्लैक मत पहनो, आप येलो कलर की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि येलो शुभ कलर होता है, या लाइट कलर पहनो, ग्रीन पहन लिया, ब्लू पहन लिया। तो ये कलर अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि तो हमारी बॉडी की, हमने पहन लिया ना कलर, पहनने के बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा। हाँ, जो व्यक्ति सुस्त रहता हो, जो बहुत ज्यादा सुस्त रहता हो, बीमार व्यक्ति है, उसको कहेंगे रेड कलर पहनाओ, पहले कहेंगे येलो कलर उसको दो, येलो कलर से क्या है वो जल्दी ठीक हो। ठीक हो गया व्यक्ति, कमजोर है, सुस्ती है, तो उसको कहेंगे रेड कलर अपनाओ। रेड कलर क्या है, उसके अंदर एनर्जी देगा, तो क्या लगेगा उसको। उसमें ये भी नहीं है कि रेड कलर की शर्ट पैंट रेड ही पहनी है, बेशक आप रुमाल हैंकी भी रख सकते हो, है ना। तो वो कलर उसके पास होना चाहिए, बार बार दिखे, क्योंकि रुमाल वगैरह हाथ में होता है तो बार बार आता है ना, तो हम उस कलर को देखते हैं, और देखते देखते हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। ओके, ओके कीर्ति मोदी जी, नितिन जी नमस्कार नमस्कार जी। सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग वास्तु में देखते हैं तो ये फ्लैट के हिसाब से देखते हैं, या पहले जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट में है तो उसमें रूम के हिसाब से देखेंगे, या पूरा टोटल फ्लैट के हिसाब से देखेंगे। दोबारा बताओ, क्या चीज, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन बताओ। जैसे क्या वास्तु में दिशाएं देखते हैं हम लोग, हाँ तो जैसे एक तो होता है कि पूरा प्लॉट का वास्तु हो गया, फिर हाँ उसपे फ्लैट बने हुए हैं अलग अलग फ्लोर पे, और उसके बाद फिर अगर वो जैसे मान लीजिए कोई 4 BHK है तो उसमें भी कई बार टॉयलेट अलग अलग जगह पर होता है, तो हम किस तरह से उसका वास्तु देखते हैं सर। जी ऐसा होता है, यदि आप फ्लैट में हैं तो एक्चुअल तो आप फ्लैट के मालिक हो ना, फ्लोर जी जी के मालिक तो हो नहीं,
क्योंकि प्लॉट तो जितनी फैमिलीज है उनमें बट गया, ठीक जी है ना। तो आप जो है वो फ्लैट का देखेंगे पहले, वास्तु फ्लैट अच्छा, फ्लैट के हिसाब से होगा के देंगे। लेकिन जिस प्लॉट पर आपका फ्लैट बना हुआ है, तो उसमें भी तो हिस्सा है ही आपका। मान लो 5 मंजिल है तो 20% तो आपका भी हुआ। फिर उसके अंदर मेन चीजें देखी जाती हैं। मेन में कहता है कि वहां पर एक तो एंट्री, उसके साथ में वहां की जो बोरिंग कर रखी होगी कि पानी कहाँ से आ रहा है, और तीसरा टॉयलेट, वो चीज फिर देखी जाती है। फिर उनका 20% जो है रोल वो हमारे ऊपर अप्लाई होता है। अब जैसे मान लीजिए कि साउथ में रूम है और आजकल रूम के अंदर अटैच बाथरूम होता है, तो हाँ, उसके फिर वो फ्लैट के हिसाब से बाथरूम को देखेंगे या रूम के हिसाब से देखेंगे? फ्लैट नहीं, फ्लैट के हिसाब से, के हिसाब से, फ्लैट के हिसाब ठीक है, थैंक यू। से। जहां से आपने एंट्री कर दी, अपने गेट से एंट्री कर दी, वहां से आपका फ्लैट चालू हो गया। अच्छा बाहर जो है बरामदा वगैरह जो भी कुछ है, वो आपके बाहर का हिस्सा है, वो पब्लिकली है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जो पार्ट आप खुद यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज नहीं कर सकता, पड़ोसी यूज नहीं कर सकता, वो आपकी बाउंड्री में है। ठीक, ठीक है जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी, जी हाँ सर, जी तो जो जो अभी मेरा जो घर है उसका हाँ जो ईस्ट और साउथ कॉर्नर से सब कॉर्नर पे आता है मेरा, सब दिशा जो है ना वो कॉर्नर पे आती है सर। ऐसा है, कभी भी ऐसा नहीं होता। अभी क्या करना, आप सेंटर निकालो सबसे पहले अपने घर का, जी और सेंटर में खड़े होके एक तो पेपर पे बनाओ, पहले जो साइज निकालो कितने बाई कितना है, पेपर पे बनाओ, जी सर, और सेंटर में खड़े होके 0 डिग्री देखो कहाँ पर आ रही है। जी सर, 0 अपने जो पेपर में मैप बनाया वहां पे मार्क करो, ये 0 है। उसके बाद 45 डिग्री डी ले लो, जो हम उसमें देखते थे स्कूल वगैरह में बनाते थे नक्शा, अच्छा, डी आती है ना, जी सर, उसमें डिग्री होती है, बस 45 डिग्री बनाते चले जाओ, साइड डायरेक्शन निकल जाएंगे आपकी। फिर डिसाइड करो कौन सी चीज कहां पर है। अभी वहां पे क्रिस्टल रखूं तो चलेगा सर? हाँ, क्रिस्टल चल जाएगा। क्रिस्टल तो क्या है, वो तो कोई भी दिशा है वो अपनी एनर्जी अपना बना देता। अच्छा हाँ, कलर से दिक्कत है हमें, जैसे हाँ, आपने रेड कलर लगा दिया, अब मान लो वहां पे ईस्ट आ रहा है और ईस्ट में आपने रेड लगा दिया, ईस्ट नहीं आ रहा सर, वो ईस्ट और साउथ आ रहा है सर। हाँ ईस्ट और साउथ आ रहा है, साउथ ईस्ट हो गया ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साउथ ईस्ट आ रहा है सर, वो फिर तो कोई दिक्कत नहीं जो है, मैं लगाया ना वो साउथ ईस्ट में लगाया है सर। फिर ठीक है, जी सर, कोई दिक्कत। चलिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं हम येलो कलर से, हाथ जोड़ मेरा मेरा एक प्रश्न था सर। रहे। बताएं बताएं, आप कौन बोल रहे हैं, मुझे हैंड मैं सुलभा बोल रही हूँ। रेज करो ना आप, फिर फ्रंट में आ जाओगे, आप दिख नहीं रहे ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ, आज मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ था, इसीलिए मैं मुझे बार बार कैमरा ऑफ कर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। अच्छा अच्छा बताएं। तो वो मुझे पूछना था, आप जो बोले ना लास्ट दिन के लिए जो कलर हमको रखना है रंग, तो थोड़ा वो रिपीट कर दे कौन सा कलर। फाइव कलर लेने हैं होली के कलर, अच्छा जिनके अंदर एक अच्छी स्मेल हो। एक कलर होते हैं विदाउट परफ्यूम, एक होते हैं परफ्यूम में, आजकल जितने आ रहे हैं परफ्यूम वाले आ रहे हैं, हर्बल कलर में स्मेल होता है, है? हाँ, हर्बल कलर जो आता है हर्बल होली कलर, को। ठीक है, तो वो कलर ले लेने। उनमें पहला कलर है आपका ब्लू, अच्छा ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाइट, ठीक है। अच्छा व्हाइट कलर ग्रीन, मैं इसलिए बोला था कि व्हाइट कलर कई बार नहीं मिल पाता, तो हाँ टेल्कम पाउडर भी ले सकते हो। ठीक, हाँ वो तो नहीं मिलता, मैंने तो मतलब देखा है। टेल्कम पाउडर ले लेना, तो ओके ओके आपके फाइव कलर हो जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इन कलर्स को कैसे यूज करना है, और साथ में आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप चाहते क्या हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसकी एक लिस्ट बनानी है आप, अच्छा कि आपका टारगेट क्या है, कि आने वाले 6 महीने में आप ये चाहते हैं अपने लिए, तो उनकी लिस्ट बनाना। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, रंगों के माध्यम से अपने घर की एनर्जी को कैसे बना सकते ओके हैं, ठीक है। और वीडियो सब डल चुकी हैं, मतलब सॉरी, पहली वीडियो डल चुकी है, हाँ, देखा है मैंने।
है ना, तो उसको सुनो, आगे जितना फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो, जिनका भी जी भला हो सकता है, ठीक है, तो ये करना है। और फिर कल मिलते हैं, और येलो कलर के साथ, तो कल सभी को येलो जो है क्लॉथ पहन के बैठने हैं, येलो तो नॉर्मली सबके पास होते ही है, और फिर कल हम बात करते हैं येलो, ठीक है। तो सभी नमस्कार मुद्रा में, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिय सविषाणम, ऐसो पंच नमो कारो सव पापनाशनो मंगलाम च सवि सिंह परमम हवाई मंगल। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार, मेरे पितृदेवों को नमस्कार, मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, मेरे घर के आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, मेरे ऑफिस के आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौथे इंद्री, पंच इंद्री, चार दो लोग में, मध्य लोग में, और दो लोग में, चार गति, 84 लाख योनियों में, भूतकाल के, वर्तमान काल के, पूर्व भव के, इस भव के, जो भी जीव हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष में, जो जो गलती, जो जो बाप, जो जो त्रुटियां हुई हो, मैं उन सभी के लिए क्षमा याचना करता हूँ। हे मेरे पितृदेवों, आपकी सेवा में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा, सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और मैं सभी को क्षमा करूं। ओम शांति। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी को जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र देव।